Good evening, everyone. Dear my friends, आज हमारी दोस्ती के बारे में गपशप होगा और हमारे बम्बई के बारे में हम आप लोगों के यहाँ की वेदर के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे चाहने वालों और जो नहीं चाहते हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो हमारे हो जाएं। मेरा अल्लाह ताला उनके दिलों में रहम डाले, वो भी मुझे प्यार करने लगे। आज हमारा कोई विषय नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारे लोग वहाँ किस हालत में हैं, हम कैसे हैं। नज़ीर साहब सलाम अलैकुम। नज़ीर अहमद नाइक जी सलाम अलैकुम। और जनाब नियामतुल्लाह नाइक जी सलाम अलैकुम। तारक हुसैन नायक जी सलाम अलैकुम। दादा अब्दुल मजीद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब आज यहाँ पे बारिश है। मौलाना साहब आज हमारे सामने, शायद अगर उनके पास टाइम हो, आज मौलाना साहब कुछ यहाँ, मिसेस साहिल डेंग, ही इज़ माई अंकल एंड प्रोफेशनली ही इज़ ए मौलाना एंड ही इज़ टॉकिंग समथिंग अबाउट हिज फ्यूचर विच वन वॉज टू इन्वाइट मी गो इन लाइव विद सुरेश सिंह। यस मिस्टर सुरेश सिंह, गुड। Mr. Suresh Singh, please send again, request again. Mr. Suresh Singh, most welcome. I am very happy you are sending me request for talking. Mr. Suresh, namaste. Send me request again. I will connect you. Please, Mr. Suresh. Mr. Suresh Singh ji, you want to talk with me? Absolutely, I'm very happy because I want to talk. I want also talk to you. Anyone? Mr. Suresh Singh, you are sending me request, but I am not connecting you. तेवला हूँ तुसन कनेक्ट कर हाँ कुछ न, अगर दोबारा तुस मेहरबानी करो तो हम कनेक्ट कर कुछ। अगर कोई भी शख्स कोई भी बात करना चाहता है वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। डिनर हो गया जी सुरेश जी? डिनर हो गया। वैसे तो हम मुंबई रात दिन हमारा डिनर वैसा ही सेम रहता है। हम डिनर 12 बजे 1 बजे होता है। शायद हमारे इलाके से आप हैं, आप लोग 7 बजे 6 बजे डिनर कर लेते हैं और आजकल तो आज ज़्यादा मेरे ख्याल से उसी उसमें है। मिस्टर सुरेश, अच्छा लगेगा कि मैं और आप बात करें। आपने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, देखता हूँ। सुरेश सिंह साहब को ही पहले ऐड करने की कोशिश करूँगा।
सुरेश जी क्यों नहीं हो पा रहा है? सुरेश जी नमस्ते, मोस्ट वेलकम। अच्छा होगा कि मेरी पहाड़ से मेरा कोई सुरेश सिंह मुझसे बात करे। सुरेश जी क्या हो रहा है? रिजवान अहमद शाह जी, कर तो इस वक्त आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई शख्स हमसे बात करे, आपस में हम लोग तबादला ख्याल करें, हम अपनी दिक्कतें बोले, आप अपने बोले, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी बात कर सकता है। सोहिल परवेज बोलो बोलो। अरे जनाब कोई वहां से बोलेगा तो बोलेंगे। परवेज जी हम चाहते हैं कि वहां से कोई हमसे कुछ पूछे, हम उनसे पूछे। क्या परवेज जी आप आना चाहोगे? सुरेश साहब आए थे, कोशिश हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो बिल्कुल उनका शो आ नहीं पा रहे हैं। किसको मैं लूँ जब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं लूँ किसको? जो रिक्वेस्ट भेजा उसको ले सकते हैं हम। हाँ ठीक है, मिस्टर जिगर पोगले कम हुआ है। सारे लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे साथ एक होनहार लड़का, एक अच्छा तालीम याफ्ता लड़का है जो कुछ बात करे जिससे हम कुछ सीखे। सुहेल परवेज जी हम कॉल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम यहाँ से कॉल नहीं करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत मिस्टर, पूरी तरह मुझे नाम मालूम नहीं है आपको, मैं शेरी पोगल बोलता हूँ। आप आज कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वहाँ डिस्क्लिनिक दिखा रहा है आपको, नहीं हो पा रहा है आपको, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपको, बारिश होगी कुछ तो ऐसा दिक्कत होगी। सोहिल साहब मैं आपको कॉल तभी कर पाऊंगा जब मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे। सर आप क्या काम करते हो? मेरे काम के बारे में मेरा पूरा हिंदुस्तान जानता है और आप किसी भी जो भी मेरे इसमें जो आपको किसी से भी पूछ सकते हैं मैं क्या काम करता हूँ। इरशाद साहब सलाम अलैकुम। कदीर जी सलाम अलैकुम। मेरे द्रुपटा से कोई शख्स बात करे, कोई गाना गाना चाहे या कोई तिलावत करना चाहे, जो भी किसी को मर्जी है वो कर सकता है। राजनीति से तो आप लोगों को मना किया गया है लेकिन हमें अलाउड है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है नासिर जराल। जिगर का जो है पोगली साहब का कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है लेकिन जराल साहब से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। यार ऐसा इतना प्रॉब्लम है आपके वहां, इतना इतना दिक्कत हो रहा है क्या? आज एडी नहीं हो रहा है कोई? जलाल साहब आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, तो चलो ठीक है। मेरे लोगों आज हमारा कोई विषय नहीं, यहाँ मौसम बारिश का है, बहुत जबरदस्त बारिश है। मौलाना साहिल डेंग साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु, क्या आप आना चाहेंगे? क्योंकि आप कनेक्ट हो जाते हैं, शायद आप नेट में हैं। शफकत शान शेख, सोहिल परवेज, सोहिल
सोहिल परवेज जी आप आना चाहेंगे? ठीक है, ले लेते हैं आपको अगर आ जाते। सोहिल परवेज जी को ऐड करने की कोशिश की गई है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, वालेकुम अल्लाह व बरकातहू। फरमाइए जनाब। खैरियत से हो सर? साहब ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मेरे नील से हैं क्या? मैं सर चकनाड़वा से हूँ, परवेज अहमद सोहेल। बिल्कुल, वो मेरी नंबरदारी में आता है। बहुत खुशी हुई चकनाड़वा वाले अच्छे लड़के से बात करूँ। बोलिए। बिल्कुल, मैं आपके पंचायत से ही हूँ, आपके पंचायत से हूँ, नील पंचायत से। नील पंचायत चकनाड़ साहब से? बिल्कुल, चकनाड़वा के साथ मेरा अच्छा लगाव है और चकनाड़वा आस पास में बिल्कुल हम एक दूसरे को हम टॉप से देखते रहते हैं, देखते थे बचपन में सर। और शायद मैं आपको जानता भी हूँ, और आप जानते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। और सर आप खैरियत तो सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम लोगों की दुआएं हैं और मेरे परवरदिगार का रहम है। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे सर। जी बोलिए। और कब आ रहे हो सर घर? घर कहाँ आए, हम तो घर में ही हैं, हमारा घर महाराष्ट्र में है। नहीं सर आप वो तो ठीक है, लेकिन जनाब सही, मगर याकत बेसिकली आप नील से ही हो ना? जी जी जी, हम आपको मानते हैं बेसिकली वहां से है, लेकिन मुझे जो है मेरा जो पासपोर्ट है वो महाराष्ट्र का मराठा है, मराठा। जी 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 जी, मैं तो जनाब को के बाद जो भी कोई ट्रैवलिंग करूंगा वो मैं मराठा के नाम से ही जानता हूँ। जी मैंने कहा मैं जनाब को अच्छी तरीके से जानता हूँ सर। जी जी बोलिए जी बोलिए। बड़ी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करते हुए, कुछ क्या बात करना चाहेंगे हमसे आप? मैं भी सर बड़े दिनों से कोशिश कर रहा था आपसे बात करने के लिए, लेकिन बात हो नहीं पा रही थी, तो इंशाल्लाह आज हो गई। हम जनाबों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, आप जैसे जवान लोग हमें, हम जैसे लोगों का कुछ चाहते हैं, और इसके लिए सर बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोगों को इनवाइट करो ताकि वो भी हमें प्यार करना शुरू करें जो नहीं करते। नहीं वो तो ठीक है इंशाल्लाह सर, हम तो आपसे बिल्कुल प्यार करने के लिए तैयार हैं और करते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ हाँ, बेसिकली हम हर वक्त आपका लाइव देखते रहते हैं सर, आपकी बात सुनते रहते हैं जी। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बोलिए, हुक्म करिए। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल पूरा आवाज में, अगर इसको आगे और भी दूर करूंगा आ जाएगी। मैं एक्चुअली सर मैं हर वक्त आपका लाइव देखता रहता हूँ, ये आप हर वक्त कुछ रुनियाल साहब के बारे में कहते रहते हो, क्या मामला है सर? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है सर, ये क्या मसला है? मेरी बात सुनिए, मैं उस जगह का रहने वाला हूँ जी, मेरा अधिकार है। बिल्कुल सर, मैं भी एक वोटर हूँ वहाँ का, क्योंकि मुझे दफा 370 अभी तक है, जिसने मुझे दोहरी नागरिक होने का हक दिया है। बिल्कुल सर, तो मैं मेरे प्रत्याशी को चुनने का मुझे हक है, जब मुझे कोई गलती नजर आएगी तो मैं उसकी गलतियों को उजागर करूंगा, इसमें आप बिल्कुल एतराज मत करिए। अच्छा सर जी, हो गया आपके सवाल का जवाब। और कोई आगे जनाब? नहीं नहीं आगे कुछ नहीं सर, यही पूछना था सर जी। और आप ये भी दावा करती हो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा हूँ सर, तो बड़ी खुशी की बात है। अगर मेरा शोकर डेंग को वो पीछे रखेंगे तो मुझे इलेक्शन के लिए आना पड़ेगा। तो डेंग साहब से आपने बात नहीं की सर? देखिए हम बात कैसे करेंगे, हो सकता है हमारे को दोनों को आपस में बात करने से मना किया गया होगा, किसी ने कुछ दबाव होगा उसके बारे में। आप तो एक ही हो सर। हम एक ही है, इसीलिए तो मैं लड़ रहा हूँ कि उसको पीछे किया गया, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर वो उसके पीछे रहेगा मुझे भी हक बनता है, मैं भी इलेक्शन लड़ने आऊंगा। मैं भी शौकत के फिर शौकत को रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे मदद करो, नियाल से बेहतर है मुझे। बिल्कुल सर, तो आप लोगों को चाहिए ना सर फिर कंप्रोमाइज करना, आप तो एक ही हो डेंग साहब, आप तो एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हो। डेंग साहब के हाथ में नहीं, कंप्रोमाइज आप लोगों के हाथ में है, हराना जीतना आप लोगों के हाथ में है। आप हकीकत को समझिए जी, आप हकीकत को समझिए। आप इस तरह हम लोग माहिदा करें उससे काम नहीं होगा, पब्लिक माहिदा करनी चाहिए। वही तो मेरे ठीक है सर, तारे, 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 आप लोगों का होना चाहिए जी।
पहले सर आप एक होने चाहिए। आप मेरा कोई न्यूज चैनल मेरे शो पर ढंग से मेरे बारे में सवाल करता है वो क्यों निग्लेक्ट करता है? वो कोई बाकी जब किसी किसी पोगली से सवाल करते हैं दूसरे को करते हैं, शोकर डेंग को क्यों नहीं उन्होंने सवाल किया? वो तो आपका भाई है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि उसका जवाब भी सुनते, बिल्कुल किसी ने पूछा नहीं उसको कभी, क्यों नहीं पूछा? आप सर। लोग भी पूछ सकते हैं उनको कि कारण क्या है, आप तो दोनों भाई हो, रियली वी आर कजन्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे के लिए क्या राय है सर? राय है हमारा शोकर डेंग अगर खड़ा होता है तो हम तमाम लोगों से आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें शोकर साहब को हमारे हमने उसके करियर को बर्बाद किया, वो तो हम जैसे नेताओं ने बिल्कुल सर, उसको थोड़ा बचपने में उससे पढ़ाई से हमने पढ़ाई से हटा के उतर लिया, और मुझे दुख बिल्कुल हो सर रहा है यकीनन मुझे उसके जी सर, मतलब यकीन के मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सीधा सीधा साधा इंसान हूँ, मैं दुनिया की किसी भी ताकत से बिल्कुल डरता नहीं, क्योंकि मौत एक दिन अटल है। कोई भी चीज है, जो भी कोई तुमको जिंदगी में कोई तकलीफें आएंगी वो अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने भेजी होंगी वो आएंगी, लेकिन सच का साथ दो, बिल्कुल झूठ मत बोलो किसी भी बिल्कुल शख्स बिल्कुल सर, को किसी भी। अगर आज तुम कभी रास्ते में चलते होंगे, अगर रास्ते में कांटा कहीं है आपने हटा के किसी को, आपने सोचा किसी को एक कांटा चुभेगा, यकीन करो तुम कांटा बिल्कुल चुभने से बच जाओगे। बिल्कुल हमारे हम किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपने नाम लिया क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इलाकों के आका शायद यही, या तो दबाव के तौर दौर या कुछ पता नहीं किस तरीके से आप रुनाल साहब का ही नाम लेते हैं, हालांकि मैंने विकार रसूल के खिलाफ भी बोला बिल्कुल सर। नहीं मुझे। सर, मैंने इस सर सर बात सुनिए, मैंने इस हिसाब से ये नहीं बताया। एक्चुअली मैं मतलब देखता रहता हूँ आपको, आपका लाइव, तो मैं खासकर मतलब यही बात सुनता आया, मैं आपको इसीलिए एक मैंने देखो आपसे देखो मतलब पूछा कि आपने खुदा रहा बात पूछी, मैं खुदा रहा आपको जवाब बिल्कुल दूंगा। मुझे तब तकलीफ हुई बिल्कुल कि कुर्बानी मेरा शौकत क्यों देगा? 1947 से हम सर, कुर्बानी दे रहे हैं, आज हम क्यों दे? चकनाड़वाव भी मेरा ही गांव है, बिल्कुल सर, इससे झूठ है, सही है, गलत है? एक ही हमारी एक ही सही पंचायत है है सर, सर हमारी, हमारी पंचायत में एक ही पंचायत है, सही 1947 सर, से ले अब तक ऐसा कोई ताकतवर शख्स पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल सर, उनके बयान सही बात सुनिए, है, उनके बातचीत सुनिए, बिल्कुल उनके वो बिल्कुल सर, चीजों सुनने के बाद आप लोग खुद डिसाइड करें। मैं उनके उनका कोई दुश्मन नहीं हूं, मुझे लग रहा है बिल्कुल कि मेरे नील को अगर इस बार जो इन्होंने पार्ट बना दिए हैं, अगर इस बार मेरे जी नील सर, से एमएलए नहीं बना दोबारा कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। बिल्कुल सर, इस चीज को आप देखिए, जो इस तरह के जिस तरीके से हमारे उन इलाकों को बांटा गया है, ये लास्ट इलेक्शन है, और मेरे शोकर डैम को इस जी तरह सर, बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो बोलता है कि भाई ये तो 5 साल करेगा, पर पिछले बार मैं करूंगा। बिल्कुल अरे पिछली बार की क्या बात है, लेकिन अगले बार तुम करो, पिछले बार इनका करे। लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात सुनिए सर। जी मैं सबसे पहले नील की बात करूंगा, मैं भी उसी पंचायत से हूं। अगर जी नील नील का बेस देखा जाए सर, तो कुछ अरे नहीं है। बुरा, आप बुरा न माने जमीनी आप उसके जमीनी करके, सतह अगर सर, अगर जमीनी सतह पे देखा जाए आप बुरा न माने तो तो नील आप, नील में कुछ नहीं हुआ है सर। मैंने बोला अगर जी सर, बुरा न माने तब उठ के बैठिए, क्योंकि जो शो के बात होती है जी, सर, आप उठ के बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा, मेरी बात मानिए आप। हाँ उठ के बैठिए बोले बात। सर, बोले बोले बिल्कुल जी एकदम सर, एकदम एकदम जी बोले सर, बोल रहे थे आप, आपका था लेकिन शो के बोल रहे थे, मैंने बोला खड़ा मतलब बैठ के बोलिए, बोलिए आप, एकदम अच्छा सर, बोल रहे थे, एकदम अच्छा बोल रहे थे एकदम आप, एकदम बहुत अच्छा बोल रहे थे, आपकी पंचायत के बारे में बोलिए। सर, ये एक ही पंचायत है। देखो सर, मैं एक्चुअली नील पंचायत से ही हूँ, चकरड़ो नील, ये एक ही है। अगर हम पहाड़ों की बात की जाएगी सर, तो कुछ नहीं बना है आज तक। जी अगर नील की बात की जाएगी सर, रोड की हालत देखो, जी बाकी चीजों की हालत देखो, जी मतलब यानी कि बहुत ही जुल्म हुआ है। हाँ, लेकिन किसके साथ हुआ है? तो नील के आप साथ हुआ है, नील के साथ हुआ है। नहीं सर, हर नील के साथ नहीं हुआ है सर, हर जगह में हुआ है, हर जगह में हुआ है सर, हर जगह में ऐसा हुआ है। ये अच्छा खाली नील की बात नहीं करता हूं मैं। अब जी सर हम किस पर उम्मीदें करें? देखिए, उम्मीद आप किस पे करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह मुझे कोई पसंद आता है मैं उसको पसंद करता हूं, इसी तरह आपको कोई पसंद आया उसको करो। एक दूसरे बिल्कुल के मतलब जो प्रत्याशी हैं उनके जी उनके सर, साथ ऐसे 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 फिदाइन मत बन जाओ कि अपने रिश्ते तोड़ दो। बिल्कुल आप लोगों को यह बिल्कुल समझना है कि हमारी बेहतरी और बहबूदी के लिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए,
मैं नहीं चाहता हूं जी कि सर मुझे पोगल दुश्मन नहीं है, मेरा चुमलवास दुश्मन बिल्कुल नहीं है। यकीनन बिल्कुल चुमलवास भी मेरा उतना योगदान किया है जितना मेरी नील ने मुझे दिया, उतना ही योगदान बिल्कुल सर मुझे पोगल ने भी दिया है। लेकिन हकीकत अगर बिल्कुल आज की तारीख में हमारे यूथ जो नहीं है, इस यूथ को जी सर कोई क्यों नहीं चांस देता है, इस यूथ से क्यों बेशक नहीं डिस्कस की जाती है, क्योंकि बेशक आज सर की तारीख में हमारे पास में एजुकेशन है, वी आर एजुकेटेड, हम लोग आज पढ़े लिखे लोग हैं। वो 1900 जी सर पहले कुछ जमानों में कुछ ऐसा था जब हमारे गांव में दो चार लोग पढ़े होते थे, दो चार बिल्कुल लोग कुछ सर ऐसे ओहदे पे हुआ करते थे। आज की तारीख में बिल्कुल सर हमारी बीवी बेटियां भी अच्छी तालीम हासिल कर चुकी हैं, वो लोग अच्छी मतलब जानकारी रखते हैं। अब जी भी हम सर अंधे शहर में काना राजा होने नहीं देंगे। बिल्कुल सर अगर आपकी कोई मोटरसाइकिल रोड पे चल रही है, जी उसकी कोई टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जी वो रोड में गवर्नमेंट उसको चलना बंद कर देती है, क्योंकि वो उससे जो है पोल्यूशन, हमको पोल्यूशन के द्वारा हमारे बिल्कुल पास खतरा होता है। जी सर तो हमें नई गाड़ी फिर उस रोड में लगानी पड़ती है, उसी रूट। बिल्कुल सर तो इस वक्त जब हमारे नौजवान लोग जो अच्छे अच्छे खासे हैं, मैं तो सीधी जी सीधी बात सर कर रहा हूँ, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी बोले, हमारे पास में इस वक्त अगर वो जी पहाड़ बनिहाल कोई भी बोले, लेकिन मेरे बनिहाल, पूरी बनिहाल का इस वक्त नौजवान लीडर मेरा शौकत है। मेरे बिल्कुल सर शौकत को क्यों नहीं इन सारे लोगों ने मिलके, किसी ने ऐसा कौन सी कम बद कमरे में इन्होंने बात कर ली कि भाई कुर्बानी देनी थी तो रुनियाल कुर्बानी दे, क्योंकि वो उस मालदार इंसान है, जी बिल्कुल मालदार इंसान है, अपना बेटा समझा उसने उसको, अपने बेटे को हाथ सर पे रखे और पूरे पूरे खड़ी बनिहाल त्रगाम वगैरह ये सारे लोग, रुनियाल साहब जिंदाबाद, हम उसी को बोलेंगे, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि ये कोई तो प्रॉब्लम है, जिस तरह आपने मुझे सवाल किया, इसी तरीके से जैसे किसी पोगली कटोरे साहब को किसी ने सवाल किया, मेरे शौकत डेंग से कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है, वो आपका कजन ब्रदर आपके खिलाफ क्यों बोल रहा है, वहां भी तो सुनते वो क्या जी बोलते, बिल्कुल उसके मन में कुछ बात तो होगी कि कुछ तो सही बोल रहा है। जी बिल्कुल मेरे अगेंस्ट में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया, मेरे अगेंस्ट उसने कुछ क्यों सर नहीं बोला कि मेरा भाई तो है नहीं वो, जी बिल्कुल कुछ न कुछ बात तो ऐसी है कि आप लोगों को, मेरे लोगों में आप लोगों के साथ मेरे, मुझे यकीन है मेरे साथ पोगल के लोग हैं, मेरे साथ चुमलवास के लोग हैं, मेरे साथ खड़ी के लोग हैं, बनिहाल के लोग हैं, जो इस बात को सही तरह समझते हैं। भाई अगर जी आपकी, अगर वोटों के हिसाब से काबिलियत को जाना जाए, तो मेरे शोकत डे के जी मुकाबले किसी प्रत्याशी की ताकत नहीं है, जो बीजेपी से 2500 1500 कितने वोट लेते थे, वो 10,000 या 11,000 वोट वहां से लिया। तो हमको उसको आगे करना चाहिए कि हमको अभी वही धक्के मारने चाहिए, जी हमें क्या करना चाहिए, जवाब दीजिए ना अभी, क्योंकि आप एक नागरिक बन के मुझसे बात कर रहे हैं। जो सवाल आपने करना था, लेकिन आप बहुत अच्छी बात की आपने, आपने बोला आप रुनियाल साहब के खिलाफ क्यों हैं, आपको नहीं लगता कि मेरे शौकत को कुर्बान क्यों करेंगे, ये कुर्बान हो जाए वो लोग जो उसको कुर्बान करना चाहते हैं। बिल्कुल सर सर आपका कहना सही। बोलो गलत है वो, आपका आपको समझ लगा में सर आते हैं आप तो आप, अगर दुष्ट है बोलो नहीं दुष्ट सर है, आप नहीं नहीं सही है सही है सही है सर। आप मेरी वो एक एक बच्चा रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र सर एजुकेशन में बेचारा, वो यूनिवर्सिटी में बहुत पर श्रीनगर में पढ़ रहा था, हमारे जी लोगों ने मस्जिदों में बातचीत करके उसको लाया, बोला चल भाई आ जा तू हमारा एमएलए बन जा, वो आ गया जी बेचारा, आया फिर रोया फिर धोया जो भी किया है उसको, लेकिन दोनों बार यही धोखा क्यों दे रहे हैं इसको, दोनों बार सर यही धोखा ऐसा दे रहे हैं कुछ नहीं है। इसको। लोग सर 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 मेरी रिक्वेस्ट सुनिए, जी लोग शौकत साहब को धोखा नहीं देते हैं सर। लोगों ने शौकत साहब के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, दी दो तभी प्लानों तो में शौकत बराबर डेंग सर, सोचते दो हैं। हाँ प्लानों में बराबर, दो प्लानों में बराबर हमने कुर्बानियां दी, तो अभी सब भी दे लोगों दो, ने अभी भी कुर्बानियां दे दो, दी। लेकिन किसी के लिए मत देना। अगर वो रुनियाल को वोट करता है तो एक भी वोट मत करना, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, क्योंकि अगर शौकत डेंग खुद खड़ा होता है तो हम उसको वोट करेंगे, नहीं तो रुनियाल को वोट नहीं करेंगे, फिर कैप्टन अशरफ आएगा, मैं भी आऊंगा, देखो मुझे भी वोट सर करो, एक साल एक चांस मुझे भी दो, फिर देखते हैं कि क्या ऐसा या जो जो क्या होते हैं, उसमें बैरिकेड जीतता है या कोई अटेंथ फेल लड़का उसके सामने मुकाबला करेगा और उसको दिखाएगा कि किस तरह झटका देते हैं मेरे सर गरीब। मेरी एक रिक्वेस्ट जी सुनिए, मेरी एक रिक्वेस्ट सुनिए सर। जी जी मैं फिलहाल अपनी ही बात करूंगा। जी हकीकत जो है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का
नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, किसी के भी हो, आपको कोई फांसी नहीं लगा सकता। लेकिन जिस दिन शौकत डेंग ने मैंने डेट दिया, मैं आपको पूरी नील की तरह से वादा करता हूँ, खड़ी से वादा करता हूँ, पोगल पूरी तरह से, मेरे पूरे ठक्कर पूरी तरह से, मेरे साथ बातचीत चल रही है अंदरूनी, अंदरूनी मेरे साथ में SMS है, मेरे टेलीफोनिक डिस्कशन, आई हैव 500 नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स फ्रॉम माई एरिया, दे आर टॉकिंग विद मी अबाउट अबाउट द फ्यूचर। हमारे फ्यूचर में क्या करना है, हमें नई यूथ के साथ टच किया है, हमने एक यूथ तैयार की है, भले वो किसी को डरते होंगे लेकिन वो वक्त आने पे उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अब आपकी क्या राय है सर, हम लोगों को क्या चाहिए करना? हमको चाहिए कि आप लोगों को ये करना है कि जब वो इलाके में, जब वो मतलब अभी मैं यहाँ से आपको फिलहाल तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हमें शौकत डेंग को फिलहाल पोस्ट प्रायोरिटी हमको शौकत डेंग को देनी थी। अगर वो खुद घुड़सवार नहीं हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे लगाम आप हमारा ही पकड़ो, दूसरे का मत पकड़ो। यहाँ आप घोड़े सवार हो, हम पूरी दुनिया आपकी लगाम पकड़ेंगे और आपको घोड़े पे सवार करेंगे, क्योंकि हमने वादा किया था पहले ही और वही करेंगे। और अगर नहीं किया तो फिर आपको रुनियाल के साथ रहे या किसी के साथ बात कर, लेकिन फिर तेरा एक छोटा सा इरादा ये इलेक्शन को आएगा, फिर इसको तुझे मदद करनी पड़ेगी और मेरी पब्लिक उसको बोलनी चाहिए वो करेगा। सर ये जरूरी तो है नहीं ना भाई, इसका मतलब है सर आप फील्ड में आ रहे हो। जरूर यकीनन मैं आपके, मैं बिल्कुल मैं मैदान में, तब मैं अगर शौकत डेंग किसी का लगाम पकड़ा तो मैं टिकट भी ले सकता हूँ, दो पार्टियों का इस वक्त तक मेरे पास ऑफर है। उनका 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 तो सर, उनका तो सर कंफर्म है, शौकत डेंग साहब का और रुनियाल साहब का तो कंफर्म है वो, उनका तो उनका क्लियर हो गया सर, उसमें तो कोई शक नहीं, उसमें कोई दोराया नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये कोई निकाह नहीं हुआ है, ये निकाह नहीं है, निकाह के लिए भी ऐसा कुछ नहीं, वो हो गई अभी वो सब वो कहानियां चली हो गई, ये निकाह नहीं है। अगर आज भी मेरा शौकत डेंग समझ जावे वो आज भी बाहर आ सकता है, ये कोई निकाह नहीं हुआ है कि जिससे कुछ उसको जो कानून चेंज हुई ऐसा कुछ होगा, इसमें एक ही बार हम बोल सकते हैं। अब अगर निकाह भी हो गया फिर निकाह तोड़ना भी पाप है सर? नहीं नहीं हम तोड़ सकते हैं, जब हमको हमको जब उसने जब मेरे शौकत डेंग को पीडीपी से टिकट छीनी थी तो तब भी तो उसने गलती करी थी, और आज भी अगर वो गलत करेगा कौन उसको गलत बोलेगा, मैं उसके उसका जवाबदार हूँ। तब तो निकाह था नहीं इनका, उसने एक साल तक बेचारे ने वहां पे बड़ी मेहनत से वो चलता रहा, और एक साल के बाद रुनियाल साहब ने उनकी टिकट छीन ली और उनको रोते रोते, तब तो कोई हमारा जैसा आदमी बात करने वाला था ही नहीं, मैं तो कम से कम कुछ थोड़ा सीख गया बात कर रहा हूँ, डर से नहीं डर रहा हूँ, वरना मुझे भी बड़ी धमकी है कि मेरे पास CID पीछे है, क्राइम ब्रांच है, मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ उस क्राइम ब्रांच को, CID को, कम से कम वो मेरे पीछे कुछ काम तो करे, कहीं बिजी तो हो जाए जरा मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, वो रुनियाल साहब भी खुश होंगे कि जब उसको मालूम पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है। यही तो मसला है ना सर, ये मसला है, वैसे अगर देखा जाए सर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपका वीडियो शेयर करेंगे केस बनेगा, हम आपको कमिट करेंगे हमको केस बनेगा, तो मेरी बात सुनो यार, दुनियादारी अभी इस वक्त सोचे, दुनिया में आप सोशल नेटवर्क पे बराबर देख रहे हैं मोदी साहब के खिलाफ क्या क्या बोला जाता है, दुनिया क्या क्या कर रही है, क्या क्या बोल रही है, उनको कोई केस नहीं बन रहा है, उनको कोई ऐसी चीजें नहीं होती है, तो आप मेरा वीडियो देखोगे या इस तरह करोगे, मैं खुर्शीद साहब को, मिस्टर खुर्शीद समझ, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज मैं रोक रहा हूँ सर आपके, मेरे गेस्ट को, खुर्शीद साहब आप जरा समझे, क्योंकि आप डिफेंस से एडी दबाने वाले हैं, आप भी एडी दबाने वाले हैं मिस्टर खुर्शीद साहब, आप जरा ध्यान दीजिए। जी बोलिए। जी जी बोले सर। एडी दबाने से हम लोगों के दिमाग थोड़े ऐसे होते हैं सुनने में आए, लेकिन अभी तक किसी डॉक्टर ने ऐसी सर्टिफिकेट दी नहीं, वो ऐसे देते तो फिर लोग आर्मी में जाएंगे नहीं, आर्मी में जाना पुलिस में जाना बंद हो जाएगा, अगर इस तरह की हमारे जो IAS ऑफिसर या कोई बड़े हमारे जो IPS ऑफिसर बयान देने लगे कि एड़ी दबाने से जो है दिमागी हालत बिगड़ जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कैसा बयान देते हैं, कहाँ इन्होंने चेक किया तो बता देते हैं, तो वहाँ पे खुर्शीद साहब आए थे, वो पहले आर्मी में थे, टोटल आर्मी में थे, अभी वो सरपंच है खड़ी के, इसलिए मैंने उनको याद दिलाया कि भाई कहीं आपको भी ठीक ठाक रहना। जी जी खड़ी से खुर्शीद, जानता हूँ सर, जानता हूँ। जी जी आपके चकनाड़ावा में जो आपका नया सरपंच आया हुआ है, क्या अच्छा काम करता है? मुझे लगता है अच्छा कर रहा है। हाँ अच्छा, अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक ही चल रहे हैं। क्या है नाम आपके सरपंच साहब का? उसका नाम है कुलसुमा। अच्छा अच्छा कुलसुमा जी, कुलसुमा जी, कुलसुमा जी, नहीं जी 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 जी, जी।
तो कैसा है, कैसा काम, अच्छा हो रहा है? हाँ सर, एकदम एकदम अच्छा हो रहा है। मैं उसकी खिलाफत नहीं बताऊंगा, अच्छा हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा चल रहा खिलाफत है। बोलिए, और हम नहीं बोलते हैं खिलाफत बोलिए। अगर काम अच्छा हो रहा है बोलिए काम अच्छा हो रहा है, अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है बोलिए कहीं जगह पे, फलानी जगह पे पानी नहीं है, फलानी जगह पे लाइट नहीं है, फलानी जगह पे जो उसने नरेगा का पैसा था वो आया नहीं। आप बोल सकते हैं, ये आपका हक है, डरने लेकिन को किसी को दबाव में रहने नहीं है। आप बोलिए मेरे वो माध्यम से, सर आप लोग सर सर सुनेंगे। सर सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ सर। जी वो तो 1947 से आज तक हमने चकनड़ों में ऐसी चीजें कभी देखे नहीं, तो आज कहाँ देखेंगे। आज सरपंच साहब को तो यही 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने में क्या करेगा अभी, तब से कोर्ट ऑफ कंडक्ट ही लाए उनसे, यानी कि उनसे कोई काम ही नहीं हो रहा है सर। वो तो 1947 से लेकर आज तक हमने चकनड़ों में कुछ नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं, पिछले पिछले टाइम पिछले 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 बार में, पिछले प्लान में जो गया उसमें मेरा डेंग आपका सरपंच था, अच्छा काम किया उन्होंने, क्या बात कर रहे हैं। जितना जितना आपको फंड था उतने बराबर भेजा उसने। हाँ नहीं, सर, और बोलो सर, दोबारा रिपीट करो, मुझे फोन आया था यहाँ। इससे कुलसुमा जी से पहले जो हमारे सरपंच थे वो हमारे इलाके से थे, और उन्होंने आपके साथ में जो भी आपको फंड मिलना था वो बराबर वहां तक पहुंचाया, ये मेरे ख्याल से आप जी लोगों से मैंने सुना है। तो इसमें आप, इसमें जी आपकी क्या राय है? सर, देखो बात ऐसी है, अगर आप चकनड़ों की बात करना चाहते हो तो मैं बेसिकली वहां का ही हूँ, मुझे सब कुछ पता है। हमारे हमारे चकनड़ों में सर हाई स्कूल है, चाहिए जी, आपके चकनाडा कितने में होने हाई स्कूल चाहिए, है? हाँ, आपके चकनाडा में हाई स्कूल है। है ना सर, हाई स्कूल कितने टीचर होने चाहिए सर, कम से कम देखिए 14-15 होने चाहिए, मतलब 14-15 होने चाहिए सर। वो सरपंच के हाथ में है या किसी और के? नहीं, मैं जर्नली बात करता हूँ सर, मैं सरपंच की कोई अपोजिशन नहीं करता हूँ, मैं जर्नली बात करता हूँ कि मैं चकनड़ों की बात आपको करता हूँ कि हमारे चकनड़ों की हालत क्या है। जहां 14 या 15 टीचर होने चाहिए वहां 4 हैं, हम वहां पहले पे सरपंच 4 से हैं बाहर आ जाएं, क्योंकि जी। हमारा सवाल था आपके सरपंच पे। आपने बोला 1947 से आज तक हमको वहां देखा नहीं गया, लेकिन अभी भी तो नहीं आई है। हम उनको बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारी भी सरपंच है। मेरे नील में आई है कभी कि नहीं, मेरे से कभी उनका फोन टेलीफोन नंबर मेरे पास है नहीं। मैं कोशिश करूंगा कल से कि उनका टेलीफोन कलेक्ट करने की कोशिश करूं, ताकि मैं भी उसी उसी जी उसके पंचायत का रहने वाला हूं, मैं कभी भी उससे डिस्कस कर सकता हूं, और उसका हक बनता है कि मैं वो। सर जी आप हेलो सर, मेरी बात सुनिए सर, मैं सरपैचू की कोई अपोजिशन नहीं करता हूं सर, मैं जर्नली बात ठीक, करता हूं, लेकिन आपने जो आप बस बोला ना वो मैं काम मैं की। जर्नली बात करता हूं कि आप, यानी कि आप कह रहे हो कि चकनाड़वाओं की कंडीशन क्या है, मैं कंडीशन चकनाड़वाओं की कंडीशन सर आपको हाँ, बोल रहा कंडीशन हूं, बोलिए, कंडीशन बोलिए। ठीक है, मतलब वहां की कंडीशन क्या, हमारी तो हमारे चकनाड़वाओं की कंडीशन बहुत बुरी कंडीशन है, जो कि अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। मैंने सर आपसे पहले बात की स्कूल के बारे में, जहां 14 या 15 टीचर होने चाहिए थे वहां पे 4 हैं। रोड की बात की जाएगी, 90 में रोड बना है, यानी कि बिल्कुल खस्ता हालत है रोड की, बहुत बुरी हालत है रोड की सर। तो क्या उम्मीदें हम करें, क्या उम्मीदें करें, आप एक काम तब से कीजिए, आए वोट देते आए सर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं हुआ पूरे जी। चक्रवाव के लोग, एक सजेशन दे रहा हूं ऑनलाइन पे, आप छोकर डैम जी को घेराव करो। पूरे चक्रवाव के लोग छोकर डैम को बोलो, तुम्हारे भाई ने बोला ये जो भी कमियां हैं ये मेरे भाई की है, और लेकिन मेरे भाई को पीछे किसी का लगाम पकड़ेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमको उसको घोड़े का अच्छा, सवार बनाना है, काम होगा, यकीन करो देखो सर काम होगा। बात सुनिए सर, क्या है पूरी बात, क्या बोलूं? चौकट जी बात ने सुनिए सर, मेरी रिक्वेस्ट भी सुनिए, जी डेंग साहब हमें अपना है, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना पराये की बात नहीं डेंग होती, साहब को अंदर भी एबिलिटी है, अपना पराया बात नहीं होती। मेरा कोई वीडियो कल निभा श्रीनगर से किसी ने शेयर किया, आपके किसी बंदे ने उसको जी। लिखा आप इसके फैन हैं, उसने लिखा कि मैं हाँ यहाँ श्रीनगर में बैठ के भी इसका फैन हूँ। कोई बातें किसी को पसंद आती है, जी कोई किसी को प्यार करता है, मुझे क्यों आप लाऊ करते? इसी तरह पे हम बिल्कुल फोकट को, हमको मालूम है कि ये चीज जो ये कर सकता है इसके अंदर एक ऐसे ऐसी कुछ खूबियां हैं, वो हम खुद जानते हैं कि किस कमी के कारण वो पीछे रहा। हम जी फाइनेंशियली पूरे वो नहीं थे, और मजबूरियों से उसको कुछ पार्टियां पकड़नी पड़ी, और पार्टियां उसको खुदा के फजल करम से अच्छी मिली, लेकिन उसको बिल्कुल लास्ट में जो कोई गाइड करता है उसको लास्ट में, यार बरस नोज फंसने वाला आस्ते बोर रेचिपार बिल्कुल वार सुसु बोर दाई बस ये जगह हाँ नोज चास्ती है नो सुबह सु चिर चिर बस यूनिशन को ठोकर चलता बस बिल्कुल जाता नो सु देख बात बस सु फोत पोतुर सु नोज नोज नी बस। ये हालत है हमारी नील के साथ, ये इसके सुतेला सुलू कमर साथ हो रहा है, और क्या करें?
वही 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 तो जनाब, वही तो बात है ना, वही बात है। शवकत साहब को चाहे था अलॉट रहना, आपने बोला ना शवकत एसटी साहब के। को, शवकत साहब को लोगों ने बड़ी सपोर्ट की थी, जी 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 लोगों को बड़े उम्मीदें थे शवकत साहब पे, लेकिन जी शवकत साहब ने खास समझा नहीं। अगर उसने समझा होता तो शायद लोग ओपोजिशन में नहीं होते। अब लेकिन सीधी सी बात है, किसी पाद जी इराम त्राम तिसी त्राम कुछ भी नहीं आसन वो आसन खुद पेश करनो तो आसन खुद जनाब, पेश खुद करनो मानम इतना माना मुन कीजिए, इतना खुद माना मुन इससे कीजिए, और फिर बोलते बिल्कुल कनीशनी एकदम दास, इससे बोलते एकदम सरे शोकट डिंगोस दी तसे सरी कर बैनी लेकिन आम में सवाल सुन जवाब तुझे आम से शोकट ने की मतलब चलो कोई बात है अवन में दूसरे जी में कि अगर सेकंड पोजीशन पर जाए तो चुप पता है उसने कितने प्लान में इलेक्शन लड़ा कितने प्लान में लड़ा दो प्लान लड़े, कितने तीसरा बार आए, दो लड़े, दिलाड़ तीसरा जाएंगे। नहीं लड़ रहा है ना लड़ता तो हम तो बकवास करते ही नहीं हाँ दो लड़े हाँ तीसरे में हैंड्स अप कर गया जी, दो लड़े ना, तीसरा बार आए। तो पहले सुनिए तीसरे बार कैसे बोल रहे हैं आप तीसरे अब बार तैयारी कैसे बोल करने रहे का हैं यही समय, तो हमारे पे कमी मैंने बोला तीसरे बार लड़ तो नहीं रहा है दो बिल्कुल इलेक्शन इसने लड़े एक प्लान में उसने इंडिपेंडेंट पहले प्लान में था किस जी, पोजीशन पे आप मेरे लोगों ने मेरे भाइयों ने उसको लिया बताओ फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट टाइम पे जब क्या अटेम्प्ट किया उन्होंने तो आपने उनको कौन से पोजीशन पे लिया मतलब आप पहले प्लान की बात कर रहे हो सर? पहले पहले जी पहले इंडिपेंडेंट थे शायद दूसरे नंबर पे आया था, और थर्ड जब उसने दूसरा किया तो आपके रुनियाल का पहला था उस वक्त कौन से नंबर पे लाया आप लोगों ने तीसरे नंबर पे, तीसरे क्यों तीसरे में चौथे बोलते नंबर पे। तो आप ये तो मुझे पूरा इलाका पूरा पहाड़ बोलता है कि हमने कुर्बानी दी उस वक्त सेकंड कम से कम सेकंड क्यों लेना था आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए थी कि जिस तरह हमारे घरों में जिस तरह हमारे हरे बुजुर्गों को मालूम होता है एक शख्स तो कुछ करता धरता है वो एक आईएएस ऑफिसर रहा जिसने इतनी बड़ी ये सब काम बिल्कुल कार्रवाइयां करी उसके बावजूद भी आप लोगों को यह समझ नहीं आया जिस बच्चे को हमने एक स्कूल से निकाला स्कूलिंग कर रहा था वहां से निकाल के उसकी जिंदगी को बर्बाद हमने किया उसके बाद किस तरह बोलते हो आपने आप कुर्बानी दी आप बोलते हो उसने गलत किया उसने कहाँ गलत किया उसको मालूम है आप फिर वही करोगे उसके साथ फिर गड़बड़ होगा उन्होंने तो परसों जो सर, बात मैंने जो सुनिए, कल के बात वीडियो में सुनिए। बताई थी हमने जी हमने हमने सर हमने सर स्कूल से उसको नहीं निकाला, वो बल्कि खुद हमारे सामने आया था, मेरी बात हमें हमें देखने के लिए, हमारी सपोर्ट करने के लिए। सुनिए जी जी मेरी बात सुनिए सोहेल साहब जी मेरी बात को जी बिल्कुल कंप्लीट होने दीजिए आप जो बोल रहे हैं ना आप तो गए नहीं लेकिन आपके कुछ बुजुर्ग थे हमारे कहीं इलाके के कुछ बुजुर्गों ने जिन्होंने डिस्कस किया जिन्होंने बताया कि भाई अभी जो है इसको इलेक्शन में लेंगे ये इलेक्शन लड़ेगा लड़का अच्छा है ऐसा है तो हर लोगों की उसके ऊपर उम्मीदें थी लेकिन हमारे जो अपने लोग होते हैं वो हमारे अपने लोग गद्दार होते हैं वो बोलते कुछ है करते कुछ और है यकीन के साथ मैं बिल्कुल आपको सर, कहता हूँ मैं आपको बोलता हूँ मुझे कभी जो प्रिंसिपल पोगली के साथ में मेरा जो डिस्कस हुआ है पोगल इज माई वो मेरे बिल्कुल करीबी अपने हैं ये हुए हम कोई अलग नहीं है चकनाड़ा अलग नहीं होता है पोगल अलग नहीं होता है चुमलवास अलग नहीं होता है सब लेकिन एक है, मेरा सब एक कहना है। है कि आज भी शोकत डेग ने रामसू के अंदर जो परसों जो कल का वीडियो मैंने देखा उसने बताया कि मेरे नील वाले आज भी दावा कर दे कि वो मुझे जिता देंगे मैं वो कर लूंगा दावा कौन सा करेगा पोगल अलग है तुम नील और चकनाड़ा से क्या होगा तुम भी तो आधा आधा हो जाओगे बिल्कुल सही बात है सर, ये चीजें तो ये दुरुस्त है लोगों तक सर। बात को पहुंचाओ इन चीजों को बात लोगों तक पहुंचाओ कि कारण क्या हुआ क्या हमारे नील से मेरे खुद ही कोई कुछ साथी है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जिन्होंने बोला कि शोकत डेंग के लिए हमने ऐसा किया और आज भी हम तैयार हैं जो अपोजिशन में है तो जी बिल्कुल उसके खिलाफ है तो मैं कहता हूं कि भाई अगर जी हमको अगर कोई इतने कोई ऐसी जरूरत होगी आज हमारे पास भी गायें बकरियां भेड़े हैं कमाईयां हैं करेंगे हम भी मदद कर सकते हैं हम भी अपने भाई के लिए करेंगे अपना भाई उसको जब उसको उसको हम क्यों किसी का लाउड स्पीकर क्यों बनाएंगे हम किसी जी का किसी की आवाज क्यों बनाएंगे उसको वो खुद की आवाज बुलंद करे उसकी खुद की बात बहुत अच्छी है यकीन करो मुझे मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग उसको चाहते हैं और हम किसी का बिल्कुल गुलाम उसको नहीं देखना चाहेंगे और अगर वो आखिरी बार किसी का गुलाम रहा उसके बाद वो बोलेगा मैं सेकंड पोजीशन दोबारा सेकंड में आऊंगा वो सेकंड में आएगा तो हमारा नील या दूसरा चुमलवास तब तक बैठा थोड़ी रहेगा नहीं बिल्कुल सर।
हमें भी भाई हमें भी मौका चाहिए। वो इस तरह थोड़ी है कि हमारी जिंदगी अभी हमारे भी 50 साल एज हो रही है। शोकर डेंग को टाइम देंगे, जब अगर वो अच्छा मंत्री बन जावे, यकीनन वो मंत्री पहले बन गया होता अगर बीजेपी से, उसको अच्छी सी मतलब तो आप लोगों ने पूरा किया होता, तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा मंत्री बना होता कि शायद हमारे तहसील बनाल से ऐसा कोई मंत्री आज तक आया ही नहीं होता, भले आप लोग मुझे गलत लिखना या कुछ लोग गुस्सा करना। सर मंत्री आए भी तो उन्होंने क्या दिया? ये हम बनाल बनाल के पहाड़ी जो हमारी बदकिस्मती है सर, हमारा हमारा कोई नहीं सोचेगा सर, न कभी भलाई हमारी होगी हम पहाड़ों की, न पहाड़ी चाहे वो पहाड़ सर सर, सर मेरी बात बात सुनिए, देखो चाहे वो पहाड़ से हो चाहे वो गुजरात से। मुझे मालूम पड़ा कि बनहालियों ने मिस्टर हमारे क्या नाम है इनका, हमारा बशीर अहमद रुनियाल साहब को 4500 वोट उन्होंने बनहाल से लिए, तो वहां बनहाली पहाड़ी खत्म हुआ, इस चीज को हम मान नहीं सकते। अब इस बात को हाँ, पहाड़ी बनहाली का बात खत्म करिए, हमारे जो है वो चीजें नहीं है, लेकिन कहीं लोगों के मैंने कहीं वीडियो देखे हैं जिसे हमको क्या बात करना है, क्योंकि हम वो क्या कहते हैं काश्मीरी कश्मीरी में एक कहावत है, नहीं नहीं हमारी भाषा में एक कहावत है, उसको बोलते हैं खा भाषा बोलते हैं हमारी भाषा को, उसमें एक कहावत है हचो गढ़ा ब्रैड ते म्याव कम के, म्याव कम के रहा अच्छा हचो बनाओ है ब्रैड ते म्याव कम के, तो म्याव कम के ये चीजें जिस दिन आप लोगों को समझ में आएगी समझ जाओगे, वरना हम आपस में भाई भाई लड़ते रहेंगे और अच्छी बात है ना जनाब, समझ तो है ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या करें नसीब खराब है हमारे ही, नसीब हमारे ही खराब है। मुकद्दरे महल पन्ने वोट से कौन सी बाजार दावल सर, डेंग साहब पन्ने वोट से कौन सी बाजार दावल, मेरी बात सुनिए, नसीब को कभी भी दोष न दिया जाए, मुकद्दरे महल का मेमार खुद बशर है जी, मुकद्दरे महल का मेमार खुद बशर है जी, अगर फिर भी न हो सके तो तदबीर में कुछ कसर है, उसके मैंने ये हैं, मुझे उर्दू कम है क्योंकि उर्दू मैंने नील हाई स्कूलिंग तक पढ़ी थी, फिर यहाँ मेरा थोड़ा सब्जेक्ट चेंज हुआ है, हिंदी वगैरह हुआ है, इंग्लिश थोड़ी सी बोल लेता हूँ लिख लेता हूँ जी। उसका कहने का मतलब है कि इंसान जो दोष अपने मुकद्दर को देता है, मुकद्दर बनाने वाला इंसान खुद है, बिल्कुल स्ट्रगल उसी को मेहनत कहा जाए, उसी को बाद में कुछ भी बोलो, घर सो के मुकद्दर तुम्हारे पास में बेड पे तुमको खाना लाके नहीं देगा, जब तक तुम अपने आप को खुद नहीं बदलोगे। अब नमाज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नमाज मत पढ़ो, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि हरकत करो बरकत दूंगा जी। अगर मेरी जवाब से आप सहमत हैं, मुझे बहुत खुशी हुई आपने इतनी अच्छी अंदाज में मेरे साथ बात की, मेरा परवरदिगार आपको उम्र दराज करे, और इसी तरीके से मेरे पहाड़ी लोगों को, मेरे बनिहाल कंस्टिट्यूशन के लोगों को इसी तरह से अकल आ जावे तो हम इनकलाब ला सकते हैं। तो कुछ और अगर आप बोलना चाहते हैं, यहाँ किसी शरीफ सोहेल साहब ने लिखा आजाद इतिहाद बनिहाल जिंदाबाद, हम भी हम यहाँ से तो नारा नहीं दे सकते आपका, ठीक आजाद इतिहाद पहले मेरे ख्याल से मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आजाद क्या ये हमारे मुल्क को आजाद करेंगे या कश्मीर को, मेरे मालूम नहीं हा? वो सब ऐसी चीजें तो आप लिखा सोहेल साहब, मिस्टर शरीफ सोहेल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ टॉपिक कुछ और है, यहाँ हम आप किसी किसी के एमएलए को हम गिरा नहीं रहे हैं न बना रहे हैं, हमारे जो काम टूटे फूटे हैं हमारे इलाकों में आज तक जो बीमार हमारा जो है उसको आज भी जापाने पे उठाना पड़ता है, बना लेना पड़ता है चकनरवाव से उधर वासामर्ग से इजनत्राग से बनाल से भी, यानी कि बनाल से भी रेफर श्रीनगर के लिए होता है सर, बनाल में भी कोई हमें वो नहीं करनी है, आजाद इतिहास जिंदाबाद वो बाद में देख लेंगे, वो कब जिंदाबाद तब होगा जब जीत जाएगा, और उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रहिए, हम तो आप लोगों को बोल रहे हैं कि वो कामयाब हो जाए, आप कामयाब करो ताकत लगाओ वोट करना, वो लिखने से नहीं होगा, आप लोग वोट करना उस वक्त जब काउंटिंग होगी रामबन में होगी, इस बार बनाल में होगी, चलो रामबन में होगी,
जब काउंटिंग होगी उस वक्त हम सुनेंगे, और आप अगर अगर आपके आजाद इतिहाद आपको जीत गई तो मेरे ख्याल से मैं 5-6 दिन वीडियो पे आऊंगा ही नहीं, लेकिन मुझे मैं यकीन करता हूं मैं कि अगर आजाद इतिहाद इसी तरह साथ में रही तो यकीनन हार जाएगी। तो सर मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे एक है, जी अभी हमारे बानीहाल से 4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं सर, तो जी जी नाम दीजिए जैसे आप। रुनियाल साहब, और आवाज आ रही है सर, तो हाँ आ रही, आप नाम दीजिए। जैसे सर यानी कि अभी आ रहे हैं 4 फील्ड में सर, हाँ हाँ जी। तो अगर ये 4 आए सर, हाँ चार का नाम पसंद आए दीजिए, अगर नहीं, ये चारों आपको मालूम है तो नाम दीजिए। एक है सर विकार रसूल साहब, सज्जाद साहब, दो तीन, रुनियाल साहब और वहीद साहब, लेकिन और भी वहीद साहब होंगे बीजेपी, एक 4। बीजेपी का भी आएगा, एक अपना जो है डोगरा संविधान का भी आएगा, एक बहुजन समाज पार्टी का भी आएगा। अरे पहले हम पहले इन्हीं 4ों की बात करेंगे सर, सर आप क्या बोल रहे, उनमें से ही होगा कोई, उनमें से ही, इनमें से ही कोई कोई आएगा भाई, डोगरा संविधान से आएगा, वो भी उधर का ही होगा। आपको क्या लगता है कि वो वहां का नहीं होगा? नहीं, वहाँ यहाँ का ही होगा सर, वो हमारे बनाल से ही होगा, वो तो अपना दूसरा से आपका हो कहना, जी। लेकिन अभी हमारे नजरों में 4 ही कैंडिडेट हैं सर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप थोड़ी सी राय आप दे दो जरा इसमें, मतलब कौन आगे निकल सकता है। देखिए वो जीरो ग्राउंड पे आप लोग हैं, उसके बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है, बट मैं अपनी जी अपनी राय मैं ये करूंगा कि भाई मैं शोकत डेंग को किसी का लगाम पकड़ने नहीं दूंगा, अगर वो लगाम पकड़ेगा तो मैं खुद प्रत्याशी बन के बनिहाल में कूद पड़ूंगा। नहीं, उनका तो सर क्लियर हो गया है, उनका तो क्लियर है, उनका तो अभी टाइम एतराज हो बाकी गया है, है। टाइम बाकी है, टाइम बाकी है, हो सकता है मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए। और अगर मैंने डेट लिया, अगर मिल गया, ये जी लोगों की दुआओं से, बाकी प्रत्याशियों की दुआ से अगर मुझे मैंडेट मिल गया जिस पार्टी का मैं चाहता जी हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जी मैं आजाद इतिहाद को पिछाड़ दूंगा। और क्या क्या बोलूँ, कह सकते हैं सर, इसमें मैं अरे कुछ नहीं इसमें कह क्या है, सकता हूँ, इसमें हक है। जो हमारे जो जैसे मोदी, मैं हमारे जो प्रधानमंत्री इस वक्त है हिंदुस्तान के, वो एक चाय बेचने जी वाले थे, वो आईएएस ऑफिसर नहीं थे। बिल्कुल उसी तर्ज में हमें गरीब बाप के बेटे थे, हम गाय भैंस बकरी पालने वाले हैं, और बिल्कुल आज सर हमें शौक आया कि हम भी देखें, हम भी कुछ करें, हम भी लोगों के घरों में जाएंगे, हम उनको कुछ न कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, और बिल्कुल सर कुछ न कुछ अगर हमको होगा तो भाइयों दोनों में अगर मुकाबला होगा कुछ न कुछ फायदा तो होगा। भाई बिल्कुल सर बिल्कुल तो हैं हम, अब इतने हैं कि सही हमारा बाप मुलाजिम नहीं था, इतना है कि भाई हम गरीब थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज अल्लाह हम उनकी का सपने, लाख लाख शुक्र है, उनके सपने खड़ा है। बेशक बेशक सर तो मेरा शायद आप क्या बात समझेंगे क्या नहीं, मेरा यही कहना है कि भाई अगर हमारा जो ये लोगों ने किया था, अब ये एक मानो हम लोगों को लड़ाई लड़ने का, इसको लड़ाई समझो, एक मतलब एक लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये हमारा जी आखिरी मौका है। उसके जी बाद मेरा शोकर डेंग बोलता है कि कोगलियों ने वादा किया है कि अगले 5 साल के बाद आप आएंगे, उसके बाद उसको पोगल वोट नहीं करेगा, वो पोगल का वोट ही नहीं होगा वहां। ठीक बिल्कुल सर है, ये मेरे लोगों को बिल्कुल खुद लेक्चर में बता रहा है, या तो उसने समझा नहीं जी या तो मैंने नहीं समझा। जी बिल्कुल वो बोल रहा है कि इस सर बार अभी ये करेगा और सेकंड टाइम मैं करूंगा, तो सेकंड टाइम में उसकी उसकी कंस्टिट्यूएंसी अलग हो जाएगी, बिल्कुल सर हाँ अलग तो हो जाएगी पोगल कहां से उसको वोट करेगा फिर? वो क्या बोल रहे हैं लोगों को, किस ना तरह बेवकूफ बना रहे हैं, सीधी बेवकूफ बना रहे हैं या नहीं बना रहे? ये लास्ट मौका है जिससे हम पोगल के साथ, बगारा बनिहाल के साथ सारे लोग हम वोट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम में हमारे को ऐसा मौका नहीं मिलेगा, और नेक्स्ट टाइम में जो इसने खेल खेला है फिर पोगली ही बनता रहेगा, कि पोगल का दूसरे किसी को चांस नहीं देगा, ये गारंटी है। पोगल स्थान से ही बनता रहेगा, मतलब जो जो जहां जिससे जिस कंस्टिट्यूंसी से वो लड़ेगा, क्योंकि तो बनहाल उसको अलग हो जाएगी और हम लोग बनहाल के जी साथ आएंगे। हमारा मुकाबला हाँ, हम तो रहेगा, बनाल के हमारा साथ मुकाबला रहेगा बड़े शहरों के साथ, और ये लोग अपने खेल बिल्कुल खेलते रहे, मेरा शोकर टैंक बाद में उधर पोगल जाएगा।
मुझे नहीं लगता आई में भी बिल्कुल तो मेरे हमारे साथ ही रहना सही पड़ेगा, बात और आज उसको बेहतर है कि वो हमारा ही दामन थाम ले, वो हमारी नुमाइंदगी करे, ताकि हम इस वक्त दोनों रीजनों को या चारों रीजनों को रिक्वेस्ट करें कि इस बार इसको मौका दो, वरना वो दोबारा जो बनने का सोचता है वो उसका मुश्किल है। आप समझ रहे हैं अच्छी बात है सर, पंचायत लेवल पे आप समझते हैं कि जब हमारी जो आप हमारे जो वैसे अभी जो अलग हो जाएगा उस वक्त शक्ल जी नहीं जी का मतलब मुकाबला समझते हैं किसके साथ लगेगा बिल्कुल, तो क्या होगा? बनाल के साथ ही हमारा तो ऑलरेडी बनाल के साथ ही है तो फिर अगर हम हमारी जो कंस्टिट्यूंसी जिस लेवल पे अभी कंस्टिट्यूंसी है उसमें शो करने के बाद में जीत सकता है? नामुमकिन, हम लोग दुनिया ऊपर हम चंग को नीचे लाए दुपट्टा को ऊपर ले जाए तो भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, ये चीजों को समझ के जब आज भी वो पोगली इंसान, मैं नहीं बोल रहा पोगली, वो हमारे रिश्तेदार हैं, अपने लोग हैं, वो खुद बोल रहा है कि इस बार रोनियाल साहब रहेगा, पिछली बार मैं रहूंगा। अरे पिछली बार तो तुम लोग तो खुद ही तो यही तो रोनियाल साहब ने तो पार्ट कर दिए, इसने तो इसीलिए खेल बनाया कि भाई उसके बाद जो है कंटिन्यू मैं ही बैठा रहूं, उसके जी बाद में नील वाले के किसी की ताकत नहीं हो सकती है कि उसको किसी पोगली को हिला के दिखाएगा। जिबान जो हमारी थी चकनरवा से है, चकनरवा से है हमारी जो जज्बा, जिस जिबान जो जबान हम खुद जो हमको अपनी भाषा है जो पुरानी हमारे बुजुर्ग लोग बोला करते थे, उसको भी पोगली जी नाम जी क्यों दिया गया? क्या चुमलवास को एतमाद में लिया गया, चकनरवा को एतमाद में लिया गया, मेरे नील के कुछ बुजुर्गों को एतमाद में लिया गया? अगर किसी हमारे किसी बुजुर्गों ने किताबें लिखी होंगी जो भी कोई रिलेटिव थे उनके अपने हिसाब से, मैं कल मराठी लिखना चालू कर दूंगा क्योंकि मेरी मिसिज महाराष्ट्र से है, मैं मेरी जबान को मराठा नाम तो नहीं दे सकता, जो मेरी मदर टंग है वहां की उसको वही नाम देना था जो हम लोग सारे लोग वहां उसे एक मुतफिक राय करके हम उसका नाम रखते। जी कहते हैं ना कि किसी के हाथ में हुकूमत आई तो मैं चुसाई हुकूमत जिन बना जिन बना जाए नालो रोके चमड़े यूरोपी बना के। बिल्कुल, अरे हमारे दृष्टा से हमारे यही शोकर टैंक साहब के दादे एक महान हस्ती गुजरे हैं, यकीन करो मुझे जब गुस्सा आता है मैं उनके बारे में मैं उनका, क्योंकि उनको भी इसी तरह दबाया गया, उसको बताया गया कि अभी बाद में आप करेंगे, फिर आपके बेटे को करवाएंगे, फिर आपके पोते को करवाएंगे, वो पूरा नील से इनको मदद करता रहा, ये चीजों आज तक फोन करते रहे हम। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा एक एक महीना पहले जब मैं नील पहुंचूंगा मैं नील की आवाम से अपील करूंगा कि ये शौकत को बात करना बंद कर दो अगर ये रुनियाल के साथ रहता है, या तो खुद लड़े जो मर्जी है, उसको इंडिपेंडेंट लड़ना है इंडिपेंडेंट लड़े, उसको कोई मैंडेट चाहिए हम रेडी हैं इस वक्त, हम बोले किससे उसको मैंडेट चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी पार्टियां और हैं, वो यकीन करें वो कुरान पे हाथ रख के बोले, हमारी उनकी बातचीत चल रही थी कि हम एक अच्छा खासा मैंडेट उसको मिल रहा था कि जो वहां पूरी पब्लिक उसको सपोर्ट करती थी, जैसे मतलब बीजेपी से निकलने के बाद भी एक पार्टी का एक अच्छा मैंडेट दिलाने को हम उसको तैयार थे। जी क्या पता भाई आप लोगों ने, अब अगर नहीं होगा सर उनका, हाँ जी अब अगर उन्होंने एहतियात अपना नहीं तोड़ा तो देखिए अभी वो तो उनके वो हमको फ्यूचर के बारे में, हम तो अक्टूबर बाबा है नहीं, हम बोल रहे हैं तोड़ दे भाई, हम आप भाई हूं मैं आपको, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तोड़ दे यार, नहीं तोड़ेगा उसको भी अपनी उसकी अपनी सोच है, वो डेमोक्रेसी है उसको भी अपनी मर्जी है वो क्या करेगा। मतलब है सर अगर नहीं तोड़ा तो आप फील्ड में आ रहे हो सर? मैं फील्ड में आऊंगा 100% पब्लिक सुन रही है आप मुझे वोट करो, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी आपको लगेगा कोई ऐसी चीज है करना, नहीं करना होगा नहीं करना, महाराष्ट्र फिर छोड़ना पड़ेगा सर, हाजी फिर हमारे बीच में बैठना पड़ेगा आपको सर, बिल्कुल हम आपके बीच ही बैठेंगे जब वैसा ही करेंगे ना, बैठते हैं ना लोग वही, फिर बम्बई आपको सर छोड़ना पड़ेगा, फिर हमारे बीच में बैठना पड़ेगा। और रुनियाल साहब कहाँ बैठते हैं आजकल? जम्मू में, बम्बई और जम्मू में उतना ही डिस्टेंस है, 2 घंटे में हम भी पहुंच जाते हैं और वो भी पहुंचता है, पहुंचते हैं लोग, हो सकता है अल्लाह से मांगो कि अगर हम बम्बई में बैठते हैं और अगर ऐसा आपने कर दिया और आप लोगों ने हमको ऐसा बना दिया तो हो सकता है हम दिल्ली बैठेंगे। उस दिन सर अगर आप इस फील्ड में आ गए तो फिर आपको बनाल में ही बैठना पड़ेगा सर, फिर तो बम्बई छोड़नी पड़ेगी, जमीन सर। नहीं है बनाल में, जमीन नहीं है हमारी,
जमीन बन जाएगी क्यों नहीं, खुली जमीन है सर, पूरा नील आधा नील आपका है सर, क्या बात करते हो। ठीक है जनाब, हम आपसे जो मजाक में बात किए, मेरी बात सुनिए, जब हम इलेक्शन के लिए आएंगे, हमारा वहाँ पे एक अच्छा, वहाँ का एक नागरिक हूँ, वहाँ मैं रहता हूँ। अभी जिस तरह हमारे रुनियाल साहब का कहना है कि भाई वो जम्मू में रहेगा, शोकत साहब पीछे संभालेंगे, तो हम आप जैसे लोगों को हमारी, अरे उसके लिए किस तरह, वो कैसा होता है, हमको, हम तो बिल्कुल, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हमारी कोई खेती बाड़ी है नहीं। जी काम करना वहां पे बैठने से, नील टॉप पे आपका एमएलए बैठे रहेगा तो वो आपको काम करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो अगर दिल्ली में ही जी बैठा है, वो आप लोगों के, उसकी जो ग्रांट आती है वो आपको पहुंचा दे, वो उस काबिल होना चाहिए, लड़ना मांगता है, उसकी गाड़ी कोई दूसरा छीन न सके, उसको बोलने आना हो चाहिए, सकता संसद में बात करने आना चाहिए, वो कहीं नींद में सो न जावे, उसका टाइम आवर खत्म ना हो जाए, और दूसरी हर चीजों में इस वक्त जो है वो चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए आपके प्रत्याशियों को आपको चुनना चाहिए। जी हमारे गाजी यासर साहब जम्मू नो यहाँ, ठीक है चलेगा, ठीक है, गाजी यासर साहब अंकल है मेरे, वो बिल्कुल फिदाइन है हमारे रुनियाल साहब के, लेकिन यकीनन अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इसको इसको मुझे वोट करना पड़ेगा और मुझे ही करेगा, जी यकीन करो, मैं इसको वोट करवा लूंगा, मैं बोला मुझे वोट करना, तुम जरूरी करना, और करेगा, जी शायद इसमें भी कमेंट लिखकर वोट अच्छी दे बात दो। है डेंग साहब, उसमें जी हम हाँ जी, अच्छी बात है, अगर आप फील्ड में आओगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तब आऊंगा जब शोकत साहब, नहीं मतलब शोकत साहब अगर बैक होते हैं तो मैं नहीं आऊंगा, हो वो गया, तो हम इस तरह से जब उसके बारे प्रधानमंत्री में ने कुछ नहीं बोला कर था कि हम सकते एक ही हैं। घर से दो थे, फिर वो ठीक नहीं रहेगा, और अगर वो शोकत साहब उनके किसी का घोड़े का लगाम पकड़ के चलेंगे तो जाहिर सी बात है हम दूसरा घोड़ा लाएंगे, सफेद सफेद घोड़े में चढ़ेंगे, क्या सफेद करेंगे। वाला है, हाँ सही बात है, सही बात है सर। ओके, और बाकी आपको टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ, और कोई क्वेश्चन है आपका बता दीजिए, क्योंकि नहीं 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 सर, नहीं, बड़ी खुशी हुई सर आपसे बात करके। मैं बड़े दिनों से ट्राई कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तो आज आपने लाइन पे ली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नंबर आपके पास जी है, सर, नहीं नंबर नहीं नोट नंबर नहीं है सर, कर दीजिएगा, 96 ट्रिपल एक नाइन मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट सर। इजी है, लिखने से पहले आपको याद हो जाएगा, आप दानिश्वर हैं। हाँ बोलो सर, बोलो। 9699323999, 9699 3299, 3299 थैंक यू सर, 9699। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और हमें उम्मीद है कि आप हम आपके चक्रवाल के लिए एक अच्छे उभरते हुए मंझे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं, और अल्लाह ताला करे थैंक कि यू सर, आने वाले वक्त में आप भी हमारे लोगों की सेवा करें, और लोगों की सेवा इंशाल्लाह सर, करने में ही सब कुछ होता है। खुदा हाफिज, वाकिर हुदवाना, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे लोगों, मेरे से कोई गलती हुई होगी मुझे माफ करना, खुदा हाफिज।